पेट्रोल पे महंगाई होगी, डीजल पे महंगाई होगी, ठीक है। डीजल ट्रैक्टर चलाया एक लीटर, अब एक लीटर ले आओ 100 रुपए का आवे, जब एक लीटर आवे 55 रुपये का, अब महंगाई उसमें है, ठीक है। महंगाई कहाँ है, आप लोगों में से कोई बोलेंगे बताइए। एक बंदा जो 10,000 की सैलरी में काम कर रहा था, ठीक है, अब उसकी लाइन में 10 बंदे खड़े हो गए हैं जो कि वो 10,000 की जॉब 4,000 में करने के लिए तैयार हैं। तैयार वो किस लिए, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं होगा तो लोग भूखे मर रहे हैं। भूखे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी है, हम एक लीटर तेल भी लेने जाएंगे तो 200 रुपये का आ रहा है, जो कभी 80-90 रुपये का आता था। और जहाँ 10,000 रुपये मिलते थे वहाँ 4,000 रुपये में बंदा नौकरी कर रहा है। जो गवर्नमेंट कहती थी कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो 4.5 लाख रुपये 4.5 लाख जॉब देने का अब दिखा रही है, वो भी कागजों में है, रियलिटी में कुछ और है, ठीक है। अभी भी क्या है, अभी भी वैकेंसीज फंसी हुई हैं, उन्हीं वैकेंसीज को जोड़ करके ये दिखा रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियाँ दे दी हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाबू जी आप बताइए कहाँ है महंगाई, आप तो महंगाई तो सब जगह ही है। अब देखो सरसों का तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डबल हो गया। पेट्रोल डीजल डबल हो गए। किसानों की ट्यूबवेल का बिल जो है 700 रुपये ज़्यादा था, 7.5 हॉर्स पावर का, आज 1600 रुपये जा रहा है, ठीक है। जब से बीजेपी सरकार आई है इन्होंने झूठ के महंगाई तो इतनी हो गई कि आम आदमी जो छोटा तबके का आदमी है, किसान वगैरह, तो अपना जीवन चलाना ही मुश्किल हो गया। तो इनकम भी डबल हो गई होगी। इनकम क्या डबल हो गई, हमारे जो हम प्रोडक्ट करते हैं वो तो हमारी इनकम वहाँ की वही है, कौन सी चीज़ डबल हुई है किसान की, कोई डबल नहीं। कुछ आप बोलेंगे, आप ये देखिए जी, हमारी तो सब फसल गाय बाजार खा जाते, हम क्या रखाएंगे, महंगाई तो वही है। महंगाई है और गाय बाजार का अलग सा मुद्दा है। अब अच्छा थोड़ा सा और मोमेंट हम लेते हैं, स्थानीय मुद्दों पे आते हैं, स्थानीय मुद्दों पे ही हैं हम लोग, महंगाई भी स्थानीय मुद्दा हो गया और इससे पहले जो हमने चर्चा करी थी वो भी हमारे मुद्दों की बात हमने करी थी। अब मैं ये जानना चाहूँगा जो विधायक साहब हैं देवेंद्र लोधी जी, उनका क्या रोल है, कैसा आप लोगों के साथ, कितने हिले मिले हैं, कितने घुले मिले हैं? 5 साल में जब से वो विधायक बने, वोट मांगने के लिए आए थे जैसे अब आए हैं, और उसके बाद में उन्होंने मुंह ना दिखाया, देखे ना कैसे के कैसे हैं, कैसे ना हार गए, मोटे हो गए, कैसे हुए हैं, किसी को उनके दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। आप बताएंगे? हाँ जी हाँ, सही कह रहा है, अभी तक हमने ना देखे देवेंद्र लोधी कहाँ है, देवेंद्र लोधी जी को देखा नहीं है। बाबू जी आप बताएं विधायक जी का कैसा रोल रहा यहाँ पे, विकास के नाम? विधायक जी यहाँ आए ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है हमारा गांव कहाँ है। एक गांव हमारे पास लोंगा है, उसमें सब लोग राजपूत रहते हैं, उनकी बिरादरी के हैं, और वो तीसरे दिन वहाँ जाते हैं, ठीक है, लेकिन सराय में नहीं आते, ठीक है। और अब भी इलेक्शन के टाइम भी आए नहीं हैं यहाँ जी। अगर वो आएंगे तो उनके साथ वर्ताव भी मेरा ख्याल है अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ठीक अच्छा होगा नहीं, इसीलिए शायद वो आ नहीं रहे। अच्छा वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको फिर से दोबारा टिकट जरूर दे दिया। बीजेपी तो झूठी है, अपना प्रचार कर रही है, उसका स्टैंड कहीं भी नहीं है। बीजेपी झूठ बोल रही है, आपस में विवाद करवाना चाह रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये वे करके खामखा बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायक जी, विधायक जी 5 साल पहले आए थे वोट मांगने के लिए, इस बार अभी वो भी नहीं आए हैं। बिल्कुल नहीं आए सर, अभी मांगने के लिए नहीं आए, अपने लोगों में आते हैं। असल में फैक्टर क्या है, फैक्ट ये है कि ये जो इलेक्शन हमने मैंने पढ़ा था एक बार, उसमें पढ़ा था, मैं समाजशास्त्र से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने पढ़ा था कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो जो भारत की राजनीति में जो जातिवाद है, जो ध्रुवीकरण है, धर्म की जो राजनीति है, ये भाजपा का काम यही है सर, ठीक है। अब वो अब ये जो हमारे विधायक हैं वो लोध समाज से आते हैं, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब विपक्ष था सर SC ST OBC, उसमें भी इन्होंने सेंध लगा दी है सर, ठीक है, ठीक है। तो ये किसी को भी खड़ा कर दें, ठीक है, विधायक कैसे ही हो, विकास करा हो या ना करा हो, ठीक, लेकिन बस जीतना तय है इनका, ये बताया जीतना तय है, गाँव में नहीं आते। विधायक जी को देखा है आपने? नहीं, 5 साल पहले देखा था, उसके बाद तो यहाँ कभी आया ही नहीं है विधायक। अच्छा इस बार भी वो कॉन्फिडेंट है कि हमें बिना मांगे ही हमें वोट मिल जाएगा, ऐसा है इस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में चाहे लोध LR की वोट ज़्यादा है और वो LR से आते हैं, है। तो उनको वोट मांगने की ज़रूरत भी क्या है, LR तो कम है, तो एजुकेटेड है वो, तो उनको तो एक ही बात है कि भाई कुछ भी हो लोधा तो है ही, वोट इसी को दे दो, ठीक है। आप सिकल ही नहीं देखी आज तक कभी, आपने देखते ही नहीं, सामने आ जाएंगे तो पहचानेंगे भी नहीं।
तब तो हो सकता है आपसे भ्रम हो जाएगा क्योंकि आप पहचानते नहीं है, तो कैसे होगा? देखिए नेताजी विधायक जी नजर आए ना आए, वो जरूरी है कि उन्होंने विकास किया है नहीं किया है। हाँ। अगर उन्होंने विकास किया होता तो हमें जरूरत नहीं थी कि नेताजी दिखाई दें। नेताजी नजर जभी तो आएंगे जब उन्होंने विकास किया होगा, वो 5 साल आते नजर आते। हाँ। तो उससे हमें जरूरी नहीं है विकास किया होता, एक नल तक की नहीं गड़वाई है विधायक जी। चलो मैं तो भाई विधायक जी के, समझ लो कि विधायक जी का आदमी हूँ, मैं आपसे ये पूछूंगा कि विधायक जी के संपर्क में आप लोग जाने की कोशिश नहीं किए क्या? संपर्क में जब तो जाते जब कोई इंटरेक्शन होता, कोई उनसे कम्युनिकेशन होता। आपकी जो शिकायतें हैं आप विधायक जी को पहुंचाया आपने कभी, कोशिश करी? विधायक जी तक पहुंचते जब मिलेंगे जभी तो पहुंचेंगे, मिलेंगे तभी पहुंचेंगे। कभी बात हुई है विधायक जी से, कभी कोशिश करी आप लोगों ने? नहीं, हम कोशिश करी थी एक बार वहां जाने की, लेकिन जो उनके पीए वो कह रहे हैं कि विधायक जी तो दिल्ली गए, लखनऊ गए हैं। आप विधायक जी एक आध दो बार एलआरओ में ही आए हैं, सो वहाँ झगड़े करा गए हैं, उनके बस की और कुछ रहा, विकास विकास कुछ